हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। ये ब्लॉग मे बी फ्राइडे का होगा, मे बी, क्योंकि मुझे याद नहीं है कब का है और मैं भूल चुकी हूँ, है ना। तो मे बी फ्राइडे का हो सकता है। इसके नेक्स्ट डे मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी ज़्यादा, तो फिर दो दिन मैं बेड पे ही रही थी। मे बी सैटरडे और संडे को मेरी तबीयत ख़राब रही थी, फिर थोड़ा सा संडे की इवनिंग ठीक हो गई थी, तो फिर थोड़ा सा मैंने व्लॉग शूट कर लिया था। तो अभी बस शाम की झाड़ू वगैरह हो चुकी थी और बस कपड़े बाहर सूख रहे थे तो वो लेके आ रही थी। अच्छा हाँ, किसी ने मुझे ना इस टाइम पे पिछले किसी व्लॉग में कमेंट किया था कि ऐसे कैसे कपड़ों को समेटे और कैसे रखें कि जो कम जगह भी में ना ज़्यादा सामान रख सके। तो बस वही आपको इसी व्लॉग में ही मैं ऐड कर दे रही हूँ, कोई नया अलग से वीडियो बना के नहीं बता रही हूँ। तो मेरे पास आया था तो मैंने उसी टाइम मैंने सोचा चलो आप लोगों को बता देती हूँ। वैसे मैं रोल रोल करके रखती हूँ, लेकिन इस तरीके से आप रखोगे ना तो देखो बिखरेंगे भी नहीं और बहुत कम जगह में आपका बहुत सारा सामान आ सकता है। इसी तरीके से आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो पैकिंग करते वक्त भी लेके जा सकते हैं, तो फिर आपका जो सामान है कम स्पेस में ज़्यादा सामान आ जाएगा। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि हमारा घर छोटा है और उतनी हमारे पास वार्डरोब नहीं है तो कैसे रखें। तो बस थोड़ा सा बता दे रही हूँ इसी में, इसी व्लॉग में, इस तरीके से आप टी शर्ट्स वगैरह जो होते हैं ना, आपके खुद के हुए या बच्चों के हुए या हस्बैंड के हुए, तो इस तरीके से समेट सकते हैं जैसे आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है ना, उस तरीके के से समेट के और फिर इसको ना फोल्ड करके और उसके अंदर डाल दोगे ना तो फिर ये बिल्कुल पैक रहेगी और बिल्कुल छोटी सी भी आप इससे और भी छोटी से समेट सकते हैं। तो इससे क्या होगा ना कि आप छोटी सी जगह पे, छोटी सी बास्केट पे ना ज़्यादा सामान रख सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से, इसी तरीके से आप जो ये लोअर हुआ या फिर शॉर्ट्स हुए उन्हें भी समेट के रख सकते हो, तो ये बिल्कुल पैक रहेंगे, खुलेंगे भी नहीं, गिर भी गए तब भी नहीं खुलने वाले। तो ये देखिए लोअर भी आपको करके दिखा दे रही हूँ। इसी तरीके से जीन्स वगैरह भी थोड़ा बहुत आप कर सकते हो, पैंट वगैरह हुआ कोई, तो इस तरीके से समेट के आप कम जगह पे ज़्यादा कपड़े जो है ना वो रख सकते हो। ये देखिए छोटी सी बास्केट है, घर पे सबके ऐसी बास्केट होती है, गोल होती है, चौकोर होती है, इसमें आप इस तरीके से रख सकते हो। 5 से 6 जो है ना टी शर्ट्स इसमें आ जाएंगी। ये देखिए आसानी से आ रही है, देखो कितनी छोटी बास्केट है, 10-15 या 25 रुपये में मिल जाती है अगर वैसे भी खरीदो ना तो। और ये गोल वाली भी जैसे बायने वगैरह में हमारे आ जाती है ना, तो उन चीज़ों को बस ये रखी रहती है, तो उन्हीं से मैं आप लोगों को ना बता देती हूँ। तो ये देखिए इसमें 5-6-7 कपड़े आ गए, ये देखिए इस तरीके से, और फिर आप इसे अपने उसमें रख दो। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी ऐसा डब्बा रखा हो तो उसे यूज़ दे सकते हो, उसमें भी आपके काफ़ी सामान आ जाएंगे। मैंने शर्ट के डब्बों पे तो आपको बता ही रखा है, तो ऐसे और भी कोई छोटे मोटे हो तो आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। बहुत कम जगह को भी हम इस तरीके से करके रखेंगे ना तो काफ़ी सामान आ जाएगा। बाकी जो ज़रूरत के कपड़े हों वही रखने चाहिए और जो ज़रूरत के नहीं हों किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हो। तो मैं ऐसे दिवाली के टाइम पर मैं तो ऐसे कर देती हूँ, फिर भी मेरे पास कई ऐसे रखे होते हैं। तो इस तरीके से आप ना जो उसे ऑर्गेनाइज कर सकते हो। इसी तरीके से बेडशीट का भी पूछा था, तो बेडशीट को समेट के और है ना उसकी जो तकिए की खोली होती है ना पिलो कवर के अंदर डाल दो, तो वो बिल्कुल आराम से रहेगी, वो बिखरेगी भी नहीं और पिलो कवर घूमेंगे भी नहीं और बेडशीट भी ना जमी जमाई रहेगी। तो इस तरीके से आप कुछ कर सकते हो। छोटा छोटा आइडिया एक व्लॉग में ही दे दिया। ये देखिए मेरा जो फ्रीज़र है वो कितना भयंकर वाला हो रहा है ना। अभी अभी मुझे इसके लिए ना कंटेनर्स खरीदने, वो फ्लैट वाले नहीं होते वो खरीदने की सोच रही हूँ। तो पहले मैंने इसमें डाल रखे थे वो तो पुराने हो गए थे तो मैंने निकाल दिए थे, तो अभी फिर ऐसा हो जाता है। तो इसको भी थोड़ा सा सेट करने की सोच रही थी, तो मैंने कहा चलो वो भी बता दूँगी। किसी ने मुझसे पूछा तो फ्रीज़र में आप क्या क्या रखते हो, ये सब चीज़ें रखती हूँ, इसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं। फिर ड्राई फ्रूट्स रखती हूँ, मूंग हो गया, मोठ हो गया, छोले चने, राजमा, सूजी, बेसन है ना, दलिया, ये सब फ्रीज़र में रखती हूँ ताकि इनमें कभी भी ना कीड़े नहीं पड़ते हैं। तो बस ये काफ़ी दिनों से सेट नहीं किए थे तो ये हेयर पिन और रखी थी उनसे, उनको लगा के पैक करके रख दे रही हूँ क्योंकि मुझे कंटेनर्स जो है ना वो लेने हैं। तो बस इस तरीके से भी आप करके रख सकते हो, उनको पैक करके भी वापस रख सकते हो गैस पे मोमबत्ती से और कैसे भी करके। इसको लेवल में ऐसे कर देंगे ना तो ये एक ही चीज़ में काफ़ी सामान आ जाएगा। क्या होता है ना कि बिल्कुल ऐसे इकट्ठे इकट्ठे रहते हैं तब फिर ना ज़्यादा सामान नहीं आ पाता। ये सूजी, ये हो गया दलिया, इस तरीके से रख सकते हैं आप, तो फिर आपका फ्रीज़र सेट भी रहेगा। ये देखिए ऐसे लेवल पे आ गए ना ये सब, और इसमें मैंने रबड़ बैंड लगा दिया, रबड़ बैंड भी सबके पास होता है तो वो लगा के और इस तरीके से मैंने रख दिया था।
और इस तरीके से मूंग मोठ भी मैंने इसमें ही जगह बना ली। तो ये छोटी सी बास्केट में हो गया। और ये जो सूजी वगैरह हमारी इधर उधर और भी होती है ना, एक की जगह दो पॉलीथिन में रखी हुई पिछले महीने की, तो इस वजह से ना वो भी सामान ज़्यादा जगह घेरता है, इसलिए इस तरीके से करके रख दिया था। और इसी तरीके से सब्जियों की होती है ना बास्केट, एक बास्केट में हम एक ही सब्जी रखते हैं, तो अगर वो थोड़ी कम हो गई है तो इस तरीके से इसमें सेक्शन बना दीजिए, इसमें पार्टीशन बना दीजिए और फिर रख लीजिए, तो उसमें जगह भी कम लगेगी और सेट भी रहेगी, फ्रिज भी ऑर्गेनाइज रहेगा। वैसे तो मैं कट करके रखती हूँ लेकिन इस बार मैंने कट नहीं की हुई है तो इस वजह से ऐसे करके रख रही हूँ। तो ये देखिए, ये गत्ता था, उसको मैंने फॉइल से इसलिए कवर कर रही हूँ क्योंकि ना कोई नमी आ जाए फ्रिज में रखते हैं सब्जियों की नमी, या कोई फ्रिज में रखने से जो नमी है तो वो फॉइल लगाने से नहीं रहेगी। तो मैंने इसमें एक पार्टीशन कर दिया है इसमें, और फिर जो है ना ये कुंदरू रख दे रही हूँ, परवल या परवल जो भी लोग कहते हैं, तो वो आधे मुझे सब्जी बनानी थी तो वो निकाल के रख दिए ये देखिए इस तरीके से, और आधे में मैं बीन्स रख दूंगी। इसी तरीके से एक दो बास्केट में और कर सकती हूँ मैं, भिंडी रख दी या जो कोई भी सब्जी हो थोड़ी थोड़ी वो ऐसे रख सकते हैं, तो एक ही बास्केट में दो सब्जियाँ भी आ जाएंगी, जगह भी कम घेरेगा और ऑर्गेनाइज भी रहेगा। तो इस तरीके से मैंने कर दिया है। तो बस इसी तरीके से चाहे फ्रिज हो, चाहे अलमारी हो, चाहे पूरा घर हो, उसमें ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करके ना कम जगह में भी ना हम ज़्यादा सामान ना रख सकते हैं। तो ये कर दिया था, अब बस सब्जी कट करूँगी। ये जो है ना, ये तो मैंने आपको करके बता दिया है, अभी और इसमें डालने हैं क्योंकि ये अभी और बचेंगे, ये जो परवल है या कुंदरू है ये और बचेंगे अभी हम दोनों के लिए, तो ये सब्जी मैं बनाऊँगी। और ईलू ने बोल रखा था मैं पापड़ की खाऊँगी तो वो करना था, तो ये ना कट करने थे और हम दो लोगों के लिए ये बनते हैं। और मंडी से लाते हैं तो देखो पाव पाव भर या आधा आधा किलो तो आती नहीं है, तो एक एक किलो आ जाते हैं ऐसे करके, तो वो फिर काफ़ी दिन तक चलते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने ये कट कर लिए थे, बाकी फिर उसी बास्केट में मैंने डाल दिए थे और बस इसकी सिंपल सी सब्जी बनाऊंगी। आज मैंने सोचा था सिंपल सा ये बना लेती हूँ, फिर ईलू से पूछा क्योंकि ये नहीं खाती है, बिल्कुल भी नहीं खाती है, तो फिर ईलू ने बोला कि मैं मेरे लिए पापड़ की सिंपल सी सब्जी बना देना, तो मैंने कहा ठीक है पापड़ की बना देंगे उसके लिए। तो हम दोनों के लिए तो ये हो गई थी और पापड़ की और एक बन गई थी, तो जो कि हम दोनों ने भी ली थी, ऐसा नहीं है कि ईलू के लिए ओनली बनी थी। तो एक आटा मैंने छान के अलग कल के लिए रख दिया है और यहाँ पे जो है अभी के लिए थोड़ा रोटी के लिए गूंथ लूंगी, तो बस अमृत भी हो जाएगा। और कल के लिए जो है करेला जो है वो कट करके रख दे रही हूँ, तो इनके टिफिन में फटाफट करेला कट हुआ रहेगा ना, तो फटाफट छोंक दूंगी। सुबह 5 बजे उठते हैं ना तो फिर सही रहता है, तो फटाफट करेला बन जाएगा कल, और ईलू जो बोलेगी फिर वो बन जाएगा ऐसे करके। उसके लिए फिर अभी उसके ऑनलाइन क्लासेस हो गई है ना, तो इसलिए तो वो जो बोलती है तो उसी टाइम में बना देती हूँ उसके लिए सब्जी। और ये बस चटनी बना रही हूँ धनिया, क्योंकि मेरी बीच में तबीयत खराब हो गई थी, ईलू की भी और मेरी भी अभी हो गई थी ना, तो फिर सब्जियाँ ना इस बार प्यूरी भी नहीं बनी, चटनी भी नहीं बनी, कट करके भी नहीं रखी गई, तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। फिर वो कट वट करके ना रखूँ ना तो फ्रिज भी ना ऑर्गेनाइज नहीं रहता है, और हफ्ते भर की दिक्कत होती है फिर उनको बनाते समय, कट करो ये करो वो करो। तो अभी तबीयत खराब होने की वजह से सब कुछ ही ना इधर उधर हो गया सारा काम, तो बस ये सारा काम हो गया था। तो बस ये जो बर्तन हो रखे थे वो कर दे रही हूँ, और बाकी ये आएंगे तब खाना वाना खाएंगे। तो बस मैंने ना रोटियां बेलनी भी स्टार्ट कर दी थी, वरना क्या होता है ना ये आते हैं या तो तब चढ़ाती हूँ मैं गरम गरम तो उसमें फिर और लेट हो जाता है, या फिर ये आने वाले होते हैं मुझे कॉल कर देते हैं कि अब मैं निकल गया हूँ तो तब मैं चढ़ाती हूँ, तो फिर वो मुझे भी प्रॉब्लम रहती है कि जितना फिर किचन में बार बार आओ तो बार बार पसीने के हो जाओ। तो फिर मैंने कहा आज बना ही देती हूँ, बर्तन वर्तन तो सब हो ही गए हैं, तो रोटियां भी बना के और रख देती हूँ, और फिर ना किचन को भी मैं क्लीन कर लूँगी और फिर नहा के आराम से ही आएंगे तब खाएंगे। फिर जो थोड़े बहुत बर्तन होते हैं या कोई सब्जी वो कढ़ाई हुई है ना, या फिर रोटी वाले खाने वाली दो थालियां, हम तो एक में ही खाते हैं, ईलू अलग खाती है और जो कैसरोल होता है वो दो चार बर्तन होते हैं, तो वो बाद में ऐसे ही हो जाएंगे। तो वो नहाने का मन हो रहा था मेरा क्योंकि इतना पसीना पसीना हो जाते हैं ना आजकल, तो नहा के कपड़े चेंज करके बैठने का मन होता है कि हाँ बैठो कूलर में एसी में। तो बस ऑयलिंग भी मैंने कर रखी है, कल मुझे बाल भी वॉश करने थे, और कल ही अचानक मतलब कि नेक्स्ट डे ही मेरी सैटरडे था और ये फ्राइडे का ही है ब्लॉग, तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी पूरे दिन में। फिर बाल बाल धो लिए थे, सब कुछ वॉश कर लिए थे, उसके बाद में फिर बेड पे ही रही मैं, इतनी गंदी मेरी हालत हो गई थी कि फीवर भी मुझे फील हो रहा था, फीवर भी हो गया था साथ में मुझे, लूज मोशन फीवर सब हो गया था। काम मेरा हो गया है, रोटियां बन चुकी हैं, सर्कल की तैयारी भी हो गई है, तो बस अब मैं वापस से नहा के आ गई क्योंकि मैं पसीने पसीने हो गई थी, तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए। अभी तो मैंने गाउन वगैरह नहीं डाला है, स्कर्ट डाल लिया है और टी शर्ट डाल ली है,
क्योंकि आते हैं ना तो फिर ये बोलेंगे कि, और अभी फेस पे वापस से क्रीम वगैरह लगा ली, लिपस्टिक भी लगा लिया, फिर ये बोलते हैं कि इतनी गंदी क्यों रहती हूँ, मैं आता हूँ तब तैयार रहा का मतलब कि गाउन में है ना मत दिखा करो मुझे, जब मैं गेट खोलो ना तो थोड़ी सी फेस पे फ्रेश फ्रेश होना चाहिए। अभी आते ही इतना लेट है तो इतनी लेट कैसे कोई फ्रेश रह सकता है। तो पहले आया करते थे जल्दी तो फिर मैं बहुत फ्रेश रहती थी, खूब तैयार रहती थी। तो अब ये सारे काम भी रहते हैं वीडियोस के भी और सारे काम, तो फिर थकान थोड़ी तो होती है, तो मैं सोचती हूँ कि चलो रात वाले कपड़ों में आ जाऊँ, लेकिन फिर ये बोलते हैं कि इसलिए मैं आज थोड़ा सा ठीक ठाक, अच्छे नहीं ठीक ठाक में रहूँ। तो चलो देखते हैं, फिर आएंगे खाना खाएंगे और फिर जो है वो वाले बर्तन होंगे वो करूँगी। और तो बस थोड़ी देर में ही आ गए थे, फिर हमने खाना खा लिया था, अमरस भी मैंने बना लिया था, वो मैंने शूट नहीं किया, और इनको भी बहुत अच्छा लगा, मैं नहा के फ्रेश फ्रेश लग रही थी ना, तो फिर वो रोटी बनाने का चक्कर रहता ना तो उसमें फिर वापस पसीने पसीने हो जाते हैं, इसलिए आज मैंने फटाफट बना के नहा ली थी।